बिरयानी और साथ में यहाँ पर क्या बना रही है? जर्दा बना रही है। मन मैडम घर में अभी नियाज बन रही है और तुम पहले खा रही हो। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। दादू ये क्या है? ये कौन सा पुत्र है? इसको देखे। ये जी बिरयानी रेडी हो चुकी है हमारी और साथ में जर्दा भी मजेदार सा रेडी हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ ज़ारा। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे और मजे में होंगे। भाई आज का सीन कुछ इस तरह है कि आज हम लोगों ने बनानी है नियाज, सो नीचे जाके देखते हैं क्या बन रहा है। हाँ जी मम्मा जी, फिर क्या बना रही हैं आज? ये क्या है? बिरयानी और साथ में यहाँ पर क्या बना रही है? जर्दा बना रही है। तो अभी जर्दा वाले चावल बनाने हैं? नहीं, चावल बॉयल हो चुके हैं। अच्छा, ये है बस ये शीरा। ये चावल बॉयल हो चुके हैं और ये मेवा जात जो के डालने हैं और ये शीरा है। ये क्या है? इन चीजों का क्या काम है जर्दे में? जर्दे में नहीं, बिरयानी में। अच्छा, बिरयानी के लिए ये सब कुछ? इतना पता नहीं है कि बिरयानी में मिर्ची और टमाटर। नहीं, मैंने कहा बिरयानी तो रेडी हो गई है। ये वो मुरब्बा है क्या जो जर्दे में डालना है? अच्छा, ये मुरब्बा, ये रेड कलर का और ये वाला ग्रीन। ठीक है, मुझे लगा था ये बिरयानी रेडी हो गई, इस वजह से मैंने कहा इनका क्या काम है। तो बिरयानी अभी रेडी नहीं हुई? नहीं, बस दम पे लगा रही हूँ। अच्छा, अभी दम पे लगानी है और जर्दा भी रेडी होना है। चावल वगैरह तो बन चुके हैं, बस अब इसको भी दम पे ही लगाएंगे। चले ठीक है, फिर आप इन चीजों को रेडी शेडी करें। क्या सीन है अमन मैडम? घर में अभी नियाज बन रही और तुम पहले खा रही हो, ये कहाँ से आई है? ये बाहर से आई है। अच्छा, बाहर से आई है और तुमने कहा कि मैं खाना शुरू कर दूँ, अपना पेट पूजा करूँ, बाकी बाहर में जाएं। हैं, ये कौन आया? अस्सलाम वालेकुम दादू जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। बस आप ही आई है, बाकी नहीं आए? आ रहे हैं। ये जी बिरयानी रेडी हो चुकी है हमारी और साथ में जर्दा भी मजेदार सा रेडी हो चुका है। ये जो हमने मुहर्रम की नियाज दिलवाई थी ना, आप दादो दुआ कर रही हैं कि अल्लाह पाक इस नियाज को कबूल और मंजूर फरमाए अपनी बारगाह में। नियाज वगैरह हम लोगों ने दिलवा दिया है, अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग अल्लाह पाक का जिक्र कर लें। तो अब हम सब लोग 1 2 3 और मैं 4, हम 4 लोग पढ़ेंगे नात। तो स्टार्ट कौन करेगा बोलो? तुम स्टार्ट करोगी? चलो इधर आ जाओ, हम दोनों पढ़ते हैं साथ। कौन सी पढ़नी है? जो भी ज़हन में आ जाए। चलो आओ हम दो। ये क्या हुआ? लाइट ही चलेगी। खैर, जब लाइट आएगी तब हम लोग नाद पढ़ के आप लोगों को सुनाएंगे। चलो चलो अंदर आ जाओ, लाइट आ गई है, आ जाओ। बस 2 मिनट लाइट गई है, आ गई है, अब नाद पढ़ते हैं। अब हम लोग नाद पढ़ने लगे हैं, रुबाब और मैं, हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे। रुबाब कौन सी पढ़नी है? सहर का वक्त। चलो शुरू करते हैं, दुरूद शरीफ पहले पढ़ लेते हैं और फिर अपनी नाद शुरू करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसलम अलैका या हबीब अल्लाह। सहर का वक्त था, मासूम गलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, के इतने में सदाई है अब्दुल्ला के घर से, मुबारक हो शहे हर दूसरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। रुबाब और मैंने नाद पढ़ लिया है, अब बारी आती है फात तुम्हारी और अब्दुर्रहमान तुम्हारी। चलो, मैं सिर्फ नाद पढ़ूंगी उर्दू में, तुमने पढ़ लिया। चलो, कौन सी सुनानी है? भाई नात वगैरह ना मेरे को आती जरूर है। अच्छा, लेकिन ना पला क्या सीन है, जाहिर कराना नहीं आता मेरे को।
क्यों नहीं आता? आप अल्लाह पाक से मोहब्बत करते हो, आपको किसी को भी जाहिर कराने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं, जो नात पढ़ते हैं वो मोहब्बत करते हैं। आप करते हो तो करते हैं। मामा नहीं रहती पे ही। हाँ जी भैया, घर नहीं जाना था आज आपने? नहीं, पहले ये नात सुनाएगा फिर घर जाएगा। भाई मैं जा रहा हूँ, मैं तुझे बाद में सुना दूंगा। नहीं इसे कहना नात सुनाए, नात थोड़ी सी सुना दो, चलो घर चलते हैं। चलो सुनो, स्टार्ट होते हैं, खत्म करते हैं। चल आज भी ले ला, सुबह सुबह चल रह ले। रात के हम आए थे ना, तो हमने रात अब रह ली, अब घर जा। तो एक और रात रह ले। नहीं फिर क्या रहना, नहीं जाना है ना भाई, ऑफिस जा रहे। चलो पहले नात सुनाओ फिर ऑफिस चले जाना। मैं तेरे को बताया तो है ना, नहीं आती से नात? आती है, मेरा ख्याल अभी कोई याद नहीं होगी। नहीं आती है ना, तो आती है फहद भैया। देखो तुम्हारी मम्मा कह रही है आती है, और तुम कह रहे हो नहीं आती। भाई आती जरूर है, मुझे सारी नाते आती हैं। अच्छा फिर सुनाओ। वोकल खराब है जरा। क्या खराब है? ये जो होता है ना, फिर जोर लगेगा ना। चलो फिर अभी, अभी निकलो घर। तुम बेटा घर ही जाओ, ना सुना नहीं रहा क्या? हाँ दादो निकाल रहे, एक नाच नहीं सुना रहे। भाई शायद कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। दादू ये क्या है, ये कौन सा पुत्र है, इसको देखे। अल्लाह ये काला हीरे, अगर ये लोग हीरे हैं तो हम क्या है? चलो ना सुनाओ, तुम चुप ही रहो, तुम बस ना सुनाओ, ठीक है ना? नहीं सुनानी मेरे मामा से, सुन लो मेरे मामा को आती है। चले आप सुना दे। हाँ अभी दे, अगर मेरे मामा सुना देंगे तो मैं भी सुना दूंगा। चलो भी कौन सुनाएगा अब बताओ। मेरी कौन सा अच्छी है, आपकी कौन सा अच्छी है? नात में कोई आवाज वूज नहीं देखी जाती, बस आप पढ़े दिल से पढ़े। क्या आप लोगों ने नात नहीं पढ़नी? भाई ये हमारा इनकार नहीं है कि हमने पढ़नी नहीं है। अच्छा जरूर है, फिर क्या है? अभी कंडीशन देखो, तुम गर्मी देखो, इधर कौन सी महफिल हो रही है, हम आपको सुनाएं। अच्छा महफिल होता अभी नात पढ़ते हैं? अचानक से तो नहीं कहा, पहले इसका वजू तो जाओ, वजू कर रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं घर जा रहा हूँ अभी, जाओ निकलो। दादो इसको भेजेगा, इसने नहीं पढ़नी नात। मैं अपने घर भी नहीं, अगर मैं घर होती तो तेरे काल देना था बेटा। अच्छा जी ऐसी भी बात नहीं है बेटा, तो किसी दिन आई तुझे मैं निकालूंगी। चलो फिर अभी जाए, ओके फिर अगली बार आपसे ना सुनेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर तो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर देंगे ना तो बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा, इससे क्या होगा मेरे हर नए आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहेगा। सो मिलते हैं आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।